हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू वीडियो ऑफ मोटो एक्सपोजर। अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम मैं जाने वाला था लाहिड़ी बाबा आश्रम। घर से निकल भी चुका था लेकिन बारिश और तूफानों के वजह से जा नहीं पाया। आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा घर और ट्रिप को करना पड़ा कैंसिल, और उसी लिए इस आधे अधूरे काम को अंजाम देने के लिए आज फिर से निकल चुका हूँ घर से और जाने वाला हूँ, या कह सकते हो कोशिश करने वाला हूँ और एक बार लाहिड़ी बाबा आश्रम जाने का और आप लोगों को उसके साथ साथ वीडियो करके दिखाने का। दोपहर का समय है और घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 4:45 और जाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इसके पहले वाला दिन जो हुआ मेरे साथ उसके बाद तो जब तक मैं पहुँच नहीं जाता तब तक कुछ भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि कुछ दिनों से बाहर का वेदर काफी अनस्टेबल चल रहा है। निकलते वक्त तो धूप देख कर ही बाहर निकलता हूँ लेकिन पता नहीं कब कहाँ बारिश आ जाए अचानक से, तो उसी के कारण थोड़ा दुविधा भी चल रहा है मन में। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं लाहिड़ी बाबा आश्रम। मैं अभी आ चुका हूँ दिल्ली रोड। मेरे घर से लाहिड़ी बाबा आश्रम का डिस्टेंस है लगभग 18 किलोमीटर, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि काफी नजदीक है ये वाला लोकेशन मेरे घर से, और इससे पहले भी मैं वहाँ पर एक दो बार गया था। फिर से आज जा रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत बढ़िया है, तो सोचा आप लोगों को एक बार ब्लॉग में दिखा दूंगा, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, घूम सकते हो, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन वगैरह भी हुआ है वहाँ पर, तो वो सब कुछ भी देखने के लिए मैं आज फिर से जा रहा हूँ लाहिड़ी बाबा आश्रम। अगर आप लोग गूगल में चेकआउट करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को दोपहर का 3:30 से ये वाला मंदिर का ओपनिंग टाइम दिखाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों पहले मेरा एक फ्रेंड वहाँ पर गया था तो बोल रहा था कि 4 बजे से खुलता है मंदिर। तो चलिए गाइस वहाँ पर चलते हैं और जाके ही पता करते हैं कि एक्चुअल टाइमिंग क्या है वहाँ का। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लाहिड़ी बाबा आश्रम के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बीच बीच में स्किप तो एकदम ही मत करना गाइस, नहीं तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो ये तो बता सकता हूँ। यही है गाइस वो वाला जगह जहाँ पर इसके पहले वाला दिन मैं बाइक लेके रुक गया था, क्योंकि तूफान काफी ज्यादा हो रहा था और उसके साथ साथ सामने एक पेड़ गिर के पूरा रोड ब्लॉक हो रखा था। और ये मैं आ गया चुचुड़ा सुगंधा मोड़, और इसके बाद आने वाला है हुगली और फिर बैंडेल। अगर आप लोग भैया ट्रेन आ रहे हो तो हावड़ा बैंडेल वाला जो ट्रेन आता है उसे पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को उतरना पड़ेगा बैंडेल, और वहाँ से आप लोगों को फिर टोटो ऑटो ये सब मिल जाएगा जो डायरेक्ट आप लोगों को बैंडेल स्टेशन से लाहिड़ी बाबा आश्रम तक लेके जाएगा। ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास बाइक चलाया और ये आ गया आपका बैंडेल मोड़, और यहाँ से मुझे फिर जाना पड़ेगा बाएं, और ये जो जगह है इस जगह का नाम है बैंडेल राजघाट मोड़। अब यहाँ से जाना पड़ेगा दाएं, ये वाला रोड मुझे काफी बढ़िया लगता है भाई, एकदम गांव के अंदर से जा रहा है और रास्तों के दोनों साइड का व्यू देखो, हाँ 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 हाँ, मन तो एकदम प्रसन्न हो गया। और ये आ गया आपका लाहिड़ी बाबा आश्रम। चलिए यहाँ पर ये गैरेज दिख रहा है, तो बाइक को पार्क करते हैं और उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। हाय गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूं जो बैंडेल का लाहिड़ी बाबा आश्रम है वहां पर, और अभी टाइम हो रहा है घड़ी में 4:13 और ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया है मैं यहां पर आया हूं। ये यहां का पार्किंग एरिया है जहां से मैं अभी बात कर रहा हूं, तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं अंदर, और अंदर का जो भी कुछ देखने दिखाने को लाइक है आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे मैंने बाइक को पार्क किया है, ये पूरा एरिया जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा पार्किंग एरिया है, और यहाँ से आप लोगों को बैंडेल जाने का टोटो भी मिल जाएगा, टोटो ऑटो सभी कुछ आता है। तो चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं और जाके आप लोगों से बातचीत करते हैं।
यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अगर चाहे तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं अभी पहुँच चुका हूँ जो लाइडगामा आश्रम है वहाँ का मेन मंदिर के सामने। ये ही है आपका गेट जो सामने दिख रहा है। मंदिर का व्यू आप लोगों को बाहर से नहीं दिखने वाला है, उसके लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। चलिए अंदर चलते हैं और जाके आप लोगों को जो भी कुछ अंदर का सीन है एक एक करके दिखाते हैं। मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ आधारालोय यानी कि लाहिड़ी बाबा आश्रम के अंदर, और अंदर की ओर आते ही आप लोगों को दिख जाएगा एकदम सामने बराबर दो बड़ा बड़ा सीमेंट का बनाया हुआ हाथी। फिर उसके बाद दाएं की ओर मुड़ते ही मुझे देखने को मिला ये शिव जी का एक बहुत ही प्यारा सा मूर्ति। शिव जी को पीछे छोड़ के थोड़ा आगे आते ही आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ा सा केज, और जिसके अंदर रखा गया है बहुत सारा प्यारा प्यारा हंस। ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है इसका दोनों साइड में ही बहुत सारा इसीलिए हर पेड़ों में तो अभी फूल नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आप लोगों को ऐसा खिलखिलाता हुआ गुलाब देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब आप लोगों को यहाँ के टाइमिंग के बारे में भी बता देते हैं, जो कि है सुबह के 10 बजे से 12 तक और शाम को 4 से 6 बजे तक ये आश्रम खुला रहता है। लेकिन कुछ स्पेशल डेट है जिस दिन इस आश्रम की दरवाजा अपने भक्तों के लिए 3:30 बजे ही खुल जाता है। अंदर आते ही हम लोगों को बाई की ओर दिख जाएगा दुर्गा माता की एक 8 का स्टैचू, और उसके साथ साथ दाएं की ओर दिखने को मिलेगा एक बड़ा सा मंदिर, और उसके अंदर भी दुर्गा माता की एक मूर्ति विराज कर रहा है, और अभी तो शायद यहाँ पे पूजा की तैयारी भी हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को एकदम सामने दिख जाएगा एक चिल्ड्रंस पार्क, और उसके साथ साथ बहुत सारा स्टैचूज और कटिंग ट्रीज जो कि काफी प्लान करके यहाँ पर आर्टिफिशियली बनाया गया है। चलिए गाइस अब आप लोगों को लेके चलते हैं मेन मंदिर की ओर। गाइस यही है आपका मेन मंदिर जाने का रास्ता। फिलहाल तो भीड़ काफी कम है, लेकिन शाम ढलने के साथ साथ भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ता है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग आ जाइए वही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। धीरे धीरे थोड़ा शांति से आप लोग पूरा एरिया घूम के देख सकते हो, और यहाँ पर अंदर आते ही आप लोगों को देखने को मिलेगा महाभारत का जो कि स्टैचू की तरह यहाँ पर बना के रखा गया है, और ये है आपका मंदिर का मेन गेट। अंदर आने के बाद आप लोगों को 3 मंदिर देखने को मिलेगा। दाएं साइड और बाएं साइड में मीडियम साइज का 2 मंदिर, और उसके बाद एकदम मिडिल बराबर एक बड़ा सा मंदिर जो कि एक तालाब के ऊपर बनाया गया है। दाएं वाला मंदिर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा श्री रामचंद्र, उसका भाई लक्ष्मण, और उसके साथ साथ सीता देवी को, और बाएं वाला मंदिर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कान्हा जी को, काली माता को, और उसके साथ साथ दुर्गा माता को भी। तो चलिए गाइस अब मेन मंदिर के अंदर चलते हैं, लेकिन अंदर तो कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो इसी के कारण मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर का व्यू तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो भी कुछ देखने को मिलेगा मैं आप लोगों को बाहर आने के बाद जरूर बताऊंगा। लेकिन आप लोग एंजॉय कीजिए, बाहर से ही लिया हुआ ये सभी शॉट्स।
सन 1888 सितंबर को जन्म हुआ था लाहिड़ी बाबा यानी कि श्यामा चरण लाहिड़ी का। एक संस्कृत पंडित होने के साथ साथ उन्होंने योगीराज और काशी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ये जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा है, इसका काम शुरू हुआ था 2003 में और 2016 यानी कि 13 साल टाइम लगा इस मंदिर को बनाने में। किसी तरह का हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहन के आप लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो, और महिलाओं को साड़ी और दुपट्टा से अपने माथे को ढक के ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आप लोगों को एक पानी का आधार देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को आपका पाव शुद्धिकरण करके ही अंदर जाना पड़ेगा। ये मंदिर दोनों पार्टों में डिवाइडेड है, जिसकी ऊपरी हिस्सों में आप लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ साथ और भी कई सारा देव देवियों का मूर्ति देखने को मिल जाएगा, और नीचे वाला हिस्सों में आप लोगों को नटराज और बुद्धा मूर्ति के साथ साथ देखने को मिलेगा लाहिड़ी बाबा का एक बनाया हुआ मूर्ति। इसके अलावा आप लोगों को इस मंदिर के दीवारों पे बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा, जो कि मंदिर की समृद्धियों को और भी बढ़ावा देते हैं। और एक बार अगर साफ सफाई की बात किया जाए तो इस मंदिर को आप 10 में से 10 मार्क्स दे सकते हो, क्योंकि पूरा मंदिर का प्रेमिसेस बहुत ही साफ सुथरा है, जो कि हर जगह तो नहीं देखने को मिलता है। मैं तो सब कुछ देखने के बाद एक ही चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग भी एक बार आइए और ये मंदिर विजिट कीजिए। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा मिलने वाला है। अगर आप लोग यहाँ का प्रसाद या भोग खाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को सुबह पे आना पड़ेगा। सुबह का 10 से 12 बजे तक यहाँ पर भोग के लिए कूपन दिया जाता है, जिसका प्राइस है 80 रुपए, और भोग वितरण का काम चलता है सुबह के 11 से 1 बजे तक। चलिए अब मंदिर से बाहर निकलते हैं और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को शेयर करते हैं। मंदिर से बाहर आते ही आप लोगों को दाएं तरफ एक गौतम बुद्ध जी का मूर्ति और ठीक उसके ही पीछे एक ओम लिखा हुआ महादेव का मंदिर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 2-3 स्टॉल भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ स्नैक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बैठ के रेस्ट करने के लिए भी जगह यहाँ पर बना दिया है। एक चीज इस मंदिर का बहुत अच्छा लगा मुझे, वो कि हिंदू धर्मों के अनुसार ये मंदिर तो बनाया गया है वो ठीक है, लेकिन हिंदू लोगों के साथ साथ सभी धर्मों का लोग यहाँ पर अंदर आ सकता है और पूजा वगैरह दे सकता है। आश्रम या मंदिर के अंदर आने के लिए आप लोगों को कोई भी एंट्री फी नहीं देना पड़ेगा, सभी के लिए एकदम फ्री है। और यहाँ पर रहने के लिए रूम भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसका रेंट है 1200 रुपया। रूम के साथ साथ 4 टाइम का खाना आप लोगों को यहाँ पर फ्री में ही मिलेगा। 2 लोग एक साथ रहने का एकोमोडेशन यहाँ पर रूम पे दिया जाता है, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों का कोई छोटा बच्चा है तो उसे भी आप लोग लेके एक ही रूम पे रह सकते हैं। उसके लिए कोई भी अलग सा पेमेंट नहीं करना पड़ता है, और उसका भी खाना फ्री रहेगा। सिंगल लोगों को भी यहाँ पर रूम दिया जाता है, लेकिन चार्जेस वही है सेम 1200 रुपया। चेक इन और चेकआउट टाइम है दोपहर का 12 बजे से अगले दिन का 11 बजे तक। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो है कि यहाँ पर सभी रूम नॉन एसी है, आप लोगों को कोई एसी रूम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद एसी का जरूरत भी पड़ेगा। ये देखिए आश्रम के अंदर भी एक जूता रखने का अलग से काउंटर बनाए रखा है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी जूता खोल सकते हो। चार्जेस सेम ही है हर जगह 2 रुपया। बाहर आते वक्त आप लोग अगर सीधा रोड ना पकड़ के थोड़ा सा दाएं घूम के देखोगे तो और एक रोड देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आ सकते हो। और बाहर आते वक्त आप लोगों को यहाँ पर भी ये सब मंदिर वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि हिंदू सनातन धर्म के नाम और भी रोशन करता है। मैं एक एक करके आप लोगों को वो सब जगह दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा।
गाइस लाहिड़ी बाबा आश्रम के अंदर जो भी कुछ देखने दिखाने को लाइक था मैं आप लोगों को दिखा दिया वीडियो के अंतर में। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। भाई दा भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? इतना सब कुछ देखने और जानने को बाद भी वीडियो को लाइक करने का मन नहीं किया आप लोगों का? क्या ही बोलूं। खैर छोड़िए। हाँ आप कर दिया लाइक और बोल क्यों रिमाइंडर देना पड़ता है आप लोगों को? मैं अपना काम कर रहा हूँ आप लोग अपने काम कीजिए। थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलता है ना आप लोगों को इससे। चलिए तो अब यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं घर। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, दूसरों का भी ख्याल और जरूर मोटो एक्सपोजर के साथ बने रहना। चलिए बाय।